बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 13 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है सन्मित्रम। सन्मित्रम मतलब अच्छा मित्र। उसका शब्द कोश है। फिर बुक को पढ़ेंगे। दिया है कश्चन माने कोई, विप्रह मतलब ब्राह्मण, भार्या माने पत्नी, किंचित मतलब कुछ भी नहीं, प्रतिवेशिकस्य मतलब पड़ोसी। ठीक है, आगे हम लोग फिर बुक से देखते हैं क्या है कंसेप्ट। देखिए ये है आपका बुक, देख लीजिए टाइटल सन्मित्रम। अब यहाँ से कहता है क्या, पूरा कश्चन सुदामा नाम अति दरिद्र परम धार्मिक विप्र आसित। कहता है क्या, पुराण प्राचीन काल में सुदामा नाम का कोई बहुत ही निर्धन लेकिन धार्मिक ब्राह्मण था। निर्धन तो था लेकिन वो पुजारी भी था, धार्मिक था, वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। कहता है क्या, सह श्री कृष्ण से परम सखा भक्त च आसित। कहता है क्या, वह श्री कृष्ण के परम यानी घनिष्ठ, वह श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र और भक्त भी था। सह परिवारेण सह अत्यंत दरिद्रयात जीवनम अयापत। कहता है क्या, वह परिवार के साथ बहुत ही निर्धनता के साथ जीवन यापन करता था। एकदा धनहीना संत्रस्ता च तस्य भार्या अवदत्। एक बार धन से हीन त्रस्त होकर उसकी पत्नी ने उनसे कहा, विप्र साक्षात श्रीपति श्री कृष्ण तब सखा। कहता है क्या, हे ब्राह्मण, आपके जो मित्र हैं श्री कृष्ण वो तो साक्षात ब्रह्म हैं, भगवान हैं, इसलिए आप उनसे कुछ धन क्यों नहीं मांग लेते। तत् कथम भवान तम किंचित धनम न याचते। तो क्यों नहीं उनसे कुछ धन मांग लेते हैं। सह अवश्यमेव अस्माकं दरिद्र पीड़ितम कुटुंबम दृष्ट्वा प्रचुरम धनम दास्यति। वे अवश्य ही हमारे निर्धनता से पीड़ित परिवार को देखकर बहुत सारा धन देंगे। अत्र न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुदामा पत्निया अनुरोधेन द्वारिकाम प्रति अचरत। सुदामा पत्नी के अनुरोध से द्वारिका के लिए चल पड़े। मित्राय दातुम गृह किंचित नासित, यानी मित्र को देने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। अतः तस्य भार्या प्रति वेशिकस्य गृहात तंडुलान आनीय ब्राह्मणाय अयच्छत। इसलिए उसकी पत्नी पड़ोसी के घर से तांडुलन यानी चावल लाकर ब्राह्मण को दिया। अनिच्छन अपि विप्र केवल श्री कृष्ण दर्शनाय द्वारका पुरीम आगच्छत। नहीं चाहते हुए भी ब्राह्मण केवल श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका पुरी चल दिए। श्री कृष्णस्य प्रसादस्य सम्मुख स्थित्वा सः अचिन्तयत्। श्री कृष्ण के महल के सामने खड़ा होकर वह सोचा, महाराजस्य श्री कृष्णस्य दर्शनम कथम भवेत्, यानी महाराज श्री कृष्ण के दर्शन कैसे हो। सह द्वारपाल निज नाम अवदत्, परंतु द्वारपाल सह निषिद्ध वह उसने द्वारपाल से अपना नाम बताया, लेकिन द्वारपाल उसे जाने से मना कर दिया, रोक दिया। तब संदेश वाहक श्री कृष्ण प्रसाद सम्मुख अचिंतित, ततः संदेश वाहक मुखात सुदामा इति नाम श्रुत्वा श्री कृष्ण धावन प्रसाद द्वारम आगत। वह संदेश वाहक के मुख से सुदामा का नाम सुनकर दौड़ते हुए महल के द्वार तक आए। सह मित्र से जीर्णानि वस्त्राणि शुष्क मुखम च दृष्ट्वा अस्तब्ध जात। तस्य नेत्राभ्याम च अश्रूणि अपतन। वह मित्र के फटे हुए कपड़े और सूखे हुए मुख को देखकर अस्तब्ध हो गए। उसके आँख से आंसू गिरने लगे। सह पुलकित बहुत्वा मित्रस्य दृढ़म आलिंगम अक्रतु अकरोत्। वह हृदय से प्रसन्न होकर
अपने मित्र को दृढ़ता से गले लगा लिया, प्रेमपूर्वक सुदामा को प्रेमपूर्वकम सुदामानम सिंहासने व्यवस्थाप्य रुदन श्री कृष्ण जलेन तस् पाद प्रक्षालनम अकरोत्। प्रेमपूर्वक सिंहासन पर सुदामा को बैठाने के बाद श्री कृष्ण ने जल से उनके पैर को धोया। स्नानम भोजनम च कृत्वा तो बाल्यावस्थाया वार्ताम अकुरुताम। स्नान भोजन करने के बाद दोनों बचपन की बातें करने लगे। तदेव श्री कृष्ण सुदामानम अपृच्छत। जैसे ही श्री कृष्ण सुदामा से पूछा, भ्रातृ जाया मह्यम किम उपहारम प्रेषित, भाभी जी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजी है। मह्यम यच यानी मुझे दो। एतत् उक्त्वा श्री कृष्ण स्वयमेव तान तण्डुलान गृहीत्वा खादति स्म। यह कहकर श्री कृष्ण स्वयं ही उन चावलों को लेकर खाने लगे। मोदमान सुदामा कानिचित दीनानी प्रसादे उषित्वा श्री कृष्णस्य दर्शने आत्मानं धन्यं मन्यमान राज सुखम अनुभवत। यह कहकर श्री कृष्ण स्वयं ही उनके चावलों लेकर खाने लगे। प्रफुल्लित सुदामा ने कुछ दिनों तक राजमहल में रहकर और कृष्ण के दर्शनों से अपने आप को सौभाग्यशाली मानकर राजसुख अनुभव किया। तदनंतरम स्वगृहम गंतुम श्री कृष्ण आज्ञाम आयापत। कुछ दिनों के बाद वह अपने घर जाने के लिए श्री कृष्ण से आज्ञा मांगी। निःस्पृह सुदामा कृष्णम धनम नो याचितवान। उसके बाद उसने अपने घर वापस लौटने की श्री कृष्ण से आज्ञा मांगी। निर्लोभी सुदामा ने श्री कृष्ण से धन नहीं मांगा। कृष्ण अपि तस्म किमपि न प्रायच्छत, और कृष्ण ने भी उनको कुछ नहीं दिया। आगत्य स्वपत्नीम अलंकारे शोभने वस्त्रे च सुसज्जिताम दृष्ट्वा कुटीरस्थानी प्रसादम दृष्ट्वा सुदामा अवाजानात यत् स्वमित्रस्य कृपया एव स सर्वसुखम अनुभव भवत। श्री कृष्ण ने उसको कुछ नहीं दिया, लेकिन घर आकर सुदामा अपनी पत्नी को सुंदर यानी कीमती वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित देखकर कुटिया के स्थान पर महल खड़ा देख सुदामा समझ गए कि अपने मित्र की कृपा से ही यह सब सुख उन्हें प्राप्त हुआ है। अतः विपतो यह मित्रस्य दुखानि नाशयितुं प्रयते स एव सन्मित्रं भवति। इसीलिए कहा गया है कि विपत्ति में अपने मित्र के दुखों को नष्ट करने का जो प्रयास करता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 13 का स्टोरी। पीडीएफ में क्वेश्चन से सब कुछ मिल जाएगा आपको, अपनी अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना, याद करना है। गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।